श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के सिद्धांत की व्याख्या का बहुत विशद रूप से वर्णन किया गया है। प्रत्येक प्राणी कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, वह बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। कर्म न करने वाला प्राणी भी अकर्म की श्रेणी में आ जाता है, परंतु इसे भी हम ये कह सकते हैं कि वह अकर्म करने की श्रेणी में आ गया है। अर्थात कोई भी मनुष्य कर्म, अकर्म, विकर्म से बच नहीं सकता। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि यदि मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मैं भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता हूँ। प्रत्येक प्राणी को अपने विवेक के आधार पर कर्मों का चयन करना चाहिए और इस कर्म की गति के कारण ही वह अपने किसी न किसी रूप को प्राप्त होता है। अर्थात इसी से ही वह दुखी रहता है और इसी से ही अगर वह कर्म अच्छे करता है तो उसे अपने कष्टों से मुक्ति भी मिलती है।